देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जे पुलिस जीवन में कबों टाइम पे नहीं आई है, पता नहीं बिन्नो ने सही पता दो है कि नहीं। कहे लंगड़ाई कह रही हो? नोटपैड का ही मंगवा लो, लिख के बात करनी ही का। के गुप्तचर फैले भई हैं घर में भी और घर के बाहर हो, उनको पता ना चले ताई सो हम तुम्हें चिट्ठी में लिख रही हैं। हमने हमें मार्केट का ही बुलाओ। अंदर की खबर बताई रही हैं, अम्मा बीमारी को नाटक करके तुम्हें अम्मा स्थान बुलान की प्लानिंग में है। तुम इतनो परेशान काय हो रही हो? परेशान ना हो रही हूँ, तुम्हें सचेत कर रही हूँ। घर में केवल हम ही तुम्हें ना फंसाते हैं, बल्कि तुम्हारी अम्मा भी फसान के लाने नित नए परपंच रचाती हैं। अरे हम तो मंच की वो कठपुतली हो गई ससुर, जो तुम्हारी और अम्मा के प्रपंच के बीच में नाचते फिरते हैं। अरे दादा ये, 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 ये। करा कह रही हो? बेल्टमैन कूट गओ। अरे कागज की पर्ची फेंकने में इतनो जोर ना लगाओ, हम बाउंड्री पे ना खड़े इतनी सामने बैठे। बेल्टमैन से बचने हैं तो राजेश स्थान में आओ, वहीं पे सुरक्षित रही हो हमारे जानू। अरे हमारी जाने मन, ऐसे हमें ना देखो, नहीं तो ससुर हम कछु कर ना बैठे। अरे दादो, मैं सर आपका दर्द बिल्कुल समझ सकता हूँ। जब आप दादा को याद करते इसका मतलब है चोट बहुत ज्यादा लगी। पप्पू सिंह। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं सर, आई एम सॉरी सर। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम कब करोगे जय हिंद? पप्पू सिंह, तुम अपने सीनियर की बेइज्जती कर रहे हो। मैं कमिश्नर हूँ और कमिश्नर को बैठकर सलाम करना कानून की डिसिप्लिन के खिलाफ है। नहीं, समझ नहीं रहे साहब, माफ कर दूँ, लेकिन काहे कि बड़ी मुश्किल से हम अपने कूल्हे जमा के बैठे हैं। पप्पू सिंह, कभी तो अपने कूल्हे गलाओ। अरे वे तो गल गए, कल ही गल गए। यस सर,
सर ये अपने कूल्हे टिकाए बिना नहीं रह सकते सर, वरना इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। एनीवे, उस बेल्टमैन के बारे में कोई खबर आई? आई आई बड़ी तेज आई। बेल्टमैन कानपुर शहर में पधार गौ है। तुम्हें कैसे पता चला? यस सर, उस बेल्टमैन ने इनको बेल्ट मार मार के इनकी तशरीफ को गुंबद बना दिया सर। तभी तुम उठकर मुझे सैल्यूट नहीं कर पाए। आई एम वेरी सॉरी हप्पू। देखो, बेल्टमैन को जल्द से जल्द दबोचने के लिए मैं एक सर्कुलर इशू कर रहा हूँ, और जितना जल्द हो सके मैं हेड ऑफिस से अनुमति लेकर एक कानपुर में फरमान जारी करूँगा। कैसा फरमान सर? यही कि कानपुर में आज के बाद कोई भी घर के बाहर या खुले में नहीं सोएगा। लेकिन साहब जी, हमें तो हम फंस जाएंगे। क्यों? ऐसे हमारे घर में तो विभाजन हो गए। एक तरफ अम्मा स्थान है, दूसरी तरफ राजस्थान। अब्बा में क्या दिक्कत है कि हमें तो बाहर ही सोने पड़ेगो। सिंह, अपनी चिंता करो और कोई दूसरा इंतजाम करो, क्योंकि खुले में सोना खतरे से खाली नहीं है, जान भी जा सकती है। यस, समझ गए मनोहर? यस सर। खैर मैं चलता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। अरे दादा। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी सर। कहाँ लगी सर? ये हुआ जो सामान को क्या करेगू? हे जंकर, डू यू इवन नो दैट अबाउट जंक? इट इज द जंकर ऑल आइटम, जस्ट लाइक जंक फूड एंड जंक, जस्ट लाइक लिल 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 अ मसाला रेड मिर्च। सो इट्स ऑल अबाउट जंक। सो मी सेलिंग जंक सेलिंग पर्सन। हे जंकर। अबे तेरी अंग्रेजी भी जंक है, हिंदी में बकले। जाकी जंग लग गई अंग्रेजी में। क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा सामान खराब हो चुका है, जंग लग चुका है, तो मैं इसको कबाड़ी वाले को बेचूंगा। बहुत सही डिसीजन। सुन, बेच दे, कम से कम होटल को पैसा तो निकलेगा, खर्चा पानी। What? ज्यादा अंग्रेजी ना पेल। निक्का समझ रहा है, तेरों का खर्चा हम ही उठाते रहेंगे। तू हमारा सालू लगतो है का जो तेरों खर्चा झेले? yes. होटल को किराया तू देगू? ऑलमोस्ट। अम्मा, कोई हमें ना अजीब सा लग रहा है। ड्रामा कर रही है, नाटक चल रहा हूँ, नाटक तुम देखा रहो। अभी देखो, देखो तुम। ओ क्या ऐसी? अम्मा, हमें संभाल। अम्मा तुम्हें क्या संभाले? तुम बढ़िया संभली खड़ी तो हो टेक लगा के। पीटे? गैस। बहुत बढ़िया अम्मा, तुम सही जा रही। तना को ओवर एक्टिंग कम करो, ड्रामो तुम और सही है, एक्टिंग अच्छी कर रही, नेचुरल लगे। लेकिन हम चले करेक्ट, ऐसे ही चला, हल्की सिस्की और दो सिस्की, सही दिशा में जा रही तुम। करेक्ट, ऐसे ही करते रहो, अच्छा तुम पे सूट करते हुए। हाँ कट्टो, वाह क्या एक्टिंग कर रही हो, है मस्त। तुम्हें एक्टिंग करना इतना अच्छा लगता है तो पहले बता देती, हम लोग मुंबई शिफ्ट हो जाते, मैं प्रोड्यूसर बन जाता, तुम हीरोइन बन जाती। क्या? अरे जी समधन जी, गैस बोल रही है। अरे जी निरूपा राय और ललिता पवार को मिश्रण है जी। बहुत बड़ी ड्रामा चल रहा हूँ, नाटक ड्रामा। सही कर रही है अम्मा, बहुत सही। समधन जी लगे रहो, लगे करो करो करो, अच्छी एक्टिंग कर रही है। निरूपा राय फिर है आपके सामने। अब तक इन्हें निरूपर आ गया तो तुम फिर ओवर एक्टिंग कर रही। देखो अम्मा, तुम्हारे झांसे में हम आने वाले, तुम्हारे नाटक को हमें हिस्सा नहीं बनने।
तुम अपनी नौटंकी चालू रखो, हम कौआ समझी जी तुम्हारे सबको लेके। ओ बेटा हाँ। चल आजा, तू भी आजा फटा आओ। ठीक हम जा रहे, टाटा। बहुत अच्छा ड्रामो है। हटा पर उठा। ये कौन उठाए करती मैं, उठा। अरे नौकर समझ रहे, उठा। नालायक है, बिल्कुल तुम पे गया है। ला जा बेटा। क्या होएगो, कौन चिल्ला रहा है? ला, बहुत बढ़िया एक्टिंग कर। अम्मा तो बढ़िया रहो चटर, मौका देख के दम दबा के हम भगले घर से। नहीं अम्मा तो पूरी जुगाड़ में आती कि हमारी तरह बाजा, हमारी तरह बाजा, पर लुगाई हमारी बैंड बजाती। बहुत सही रहो, था नहीं भगया ये तो चैन है। पापा, पापा, अरे तुम्हारे इतने तीनों एक साथ कहो। आपकी मेहरबानी से कभी कुछ भी ठीक हो सकता है? ऐसु कहोगो, ऐसे का हाँ पर सुना रही। जिस माँ ने आपको उंगली पकड़ा के चलना सिखाया, उसी माँ को आपने सहारा देने से इनकार कर दिया। जब भी आपने कोई बदमाशी करी तो आपकी शिकायत आपकी माँ ने सुनी, और आज आपने वही माँ की पुकार को अनसुनो कर दो। आपको हिचकी सर्दी जुखाम होते हुए जिस माँ ने दिन रात धरती आसमान एक करके आपका ख्याल रखा, आपकी सेवा की, उस माँ को आप बीमारी के हालात में यहाँ पे ऐसे छोड़ के आ गए? छी पापा छी, क्यों किया आपने ऐसा? बोल लो, अब सुन, हमारी तेरी दादी हो गई है ड्रामेबाज, बकर रही है नाटक कि हम अपनू नाटक दिखाएं, अप्पू को दया आ जाए, अप्पू अम्मा स्थान में आ जाए, राजेश स्थान में ना जाए। अरे ड्रामा कर रही हैं। जी नहीं, दादी सचमुच में बीमार है। हाँ वो सच में बीमार है, और बीमारी के चलते वो चक्कर खाकर गिर गई थी। पापा आपने ना जी ठीक ना करो, आपको अपनी माँ को ऐसे छोड़ के ना जाना चाहिए। तो नहीं जाकू, मतलब जो हम ड्रामा सोच के थे भगया है, वो सचमुच में गिर गई। और क्या? हाँ। अरे अरे दादा हट, अरे चल हट, चल 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 चल। अरे अम्मा, अम्मा कहे नाटक तुम्हें महंगो पड़ गया हो ना, चढ़ गई असली में गैस। मतलब हमें पता है अम्मा कि तुम जीतन के लाने कछु भी कर सकती हो, साम दाम दंड भेद सब कछु, पूरो तुमने जोर लगाए दो। और आखिरी में कहा वो अम्मा खुद परेशान हो गई, बिस्तर पकड़ लो तुमने। और ज्यादा ताने ना सुना, तू हमें एक बात बता बहू, तुको कैसे पता चलो कि जे गैस का जो अटैक भाव ना वो नाटक ना तो? अरे अम्मा इतने साल से तुम्हारी सेवा कर रही हैं, ठीक है हम लोगों ने लेकिन कहाँ सुनी होत है, तना तनी चलत है, लेकिन जाको मतलब जे नहीं है कि तुम्हें कछु हो और हमें खबर तक ना हो। तुम्हें कैसे मालूम होते जब हम परेशान होते हैं? तुम्हें मालूम चलत है ना, वैसे ही हम उठ चल जाते। बड़ी चालाक है तू। वो तो है अम्मा, हमें पता है तुम कब नाटक करती हो, कब तुम असली में बीमार हो।
अरे अरे दादा अम्मा दादी दादी अम्मा 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 तुम अरे हम पिछवाड़ो पहले से सूजो है तुम गाल ना सुझाओ अम्मा बस हमसे कह रहे हमारी घबराहट बढ़ गई थी तुम्हारे लाने घुइया घबराहट बढ़ गई तुझे तो लग रहा हुआ तो कि हम नाटक कर रहे हैं हाँ दादी पापा को पहले सब नाटक ही लगा फिर हमने पापा को सब कुछ सच सच बताया फिर पापा बहुत इमोशनल हो गए फिर ना पापा ने आओ देखा ना ताओ सीधा स्कूटी पे बैठे और फुर्र करके निकले इतने स्पीड में हवाई जहाज तक फेल हो जाए और क्या आपको पता है कि रास्ते में एक सांड बैठा हुआ तू पापा ने अपना स्कूटर बाकी उबरते ऐसे कूदाओ एकदम दंड ना के पापा भागते भागते आई आपके पास अच्छा अच्छा ज्यादा ना फेंको हाँ समझ गए अरे अम्मा हमें पहले अंदाज हो ना भाव पहले हमें लगो कैसे राजेश ने हमसे पता का कही थी अम्मा हमसे कही थी कि तुम हमें अपनी तरफ कि हम तुम्हारे स्थान में आ जाएं जाके लाने तुम ड्रामा करोगी नाटक करोगी बताओ ना तुम बैठी पापा पास में नहीं हम हमें कहीं बोल रही हो बिन्नो ने हमें जही खबर दी उन बाने कही कि अम्मा तुम्हारी बातें सुन रही थी पिताजी से जो तुम कर रही थी तो हमें खबर दी तो हमने बताया दो इन्हें हां स्पीटी हमारे इर्द गिर्द मंडरा के हमारे मुखबरी करती होती बताओ लेकिन फायदा तो बहो ना बताओ कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती बच गई ना तुम हाँ हाँ ठीक है खैर छोड़ो अब तो मुनोंगन को देख के नाम ऐसे लग रहा हूँ जैसे दो सहेलियन को मिलन घुल मिल गई ना तुम तो जकुसी में दस मुंह कर लेगा देखो हमारे लाल देखो नास पीटे दस वो करने की कोई जरूरत ना है हमारी समझ में आ गओ है कि धन समृद्धि जा घर की सुख शांति के लाने दस वो की कोई जरूरत ना है काहे कि दस वो है ना हमारे पास हमारे घर की लक्ष्मी हमारी बहू राजेश दृश्य देखो देख रहे मतलब यू बोले शेम टू यू है गो क्या बात है गट्टो है? आज तो लालच की ट्रेन से उतर कर सुख शांति की बस में बैठ गई क्या बात है तबीयत ठीक है तुम्हारी के ऊपर आने का इरादा है देखो ज्यादा ना उछलो नहीं तो हम तुम्हारी जो मूछें है ना ये उखाड़ के फेंक देंगे सही में हाँ बोलती रहो कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि हम तो भूत है हमारे पास आने के लिए ऊपर तो आना पड़ेगा ना का बात है बाल संभार रही का ए? तुम्हें पता नहीं है कि रात में सोन से पहले हम खूब बाल झाड़ते हाओ हाओ भूल गए हती असल में विभाजन ने हम दोंगन के बीच में दूरियां पैदा कर दी ना के? हम तुम्हारी याददाश्त तेज करेगा कैसे करोगी तुम्हारे इलाका में हमला करके अच्छा और वो हमला तुम कैसे करोगी ग्रेनेड फेंक के तब तो सुनो भयानक सो धमाको होगो हाँ वो बासी का है जो बंद बुद्धि है ना हाँ से खुश है तो रज्जू सुनो बाकी बदली में तो हमें भी जवाबी फायर करने पड़ेगो कैसे मशीन गन चला देंगे छलनी छलनी हो जाओगी तुम धुआं कट जाएगा छलनी छलनी होम के लाने तैयार है दरोगा जी हां हम मर ही जा रहे हैं बिल्कुल बेताब हैं हम हैं ऋतिक रणबीर चमची 2+2+2=6 ओ हेलो ओ हेलो हाउ हाउ डेयर यू बिद्दी ये क्या चक्कर है मैं यहाँ पे हिसाब किताब कर रहा हूँ और तू मुझे मारे जा रही है पहले जा रही है हेलो ए रुक अब अपना बोरिया बिस्तर बांध और चल मलाइका प्लीज मैं नहीं जाऊँ अरे चल ना बदतमीज ओ माय गॉड मलाइका व्हाई यू ड्रैगिंग माय कमलेस लाइक अ डोरमैट दीदी बात ऐसी है इस इंसान को इस घर में ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं शट अप मलाइका मलाइका मी इज योर एल्डर सिस्टर सो मी इज डिसाइडिंग दैट माय डियर कमलेस
staying here and not going anywhere. मतलब इस कान खजूरे के चक्कर में इतना बड़ा निबंध सुना गया है मन्ने? मेरी बद्दुआ है तुझे, अगर यहाँ से नहीं गया ना बेल्टमैन आए और तुझे इतना कूटते कि कूट कूट के ना तेरा कूर्मा बना दे। चल दीदी। कमलेश taking care. Bye, good night. Bye bye. Thank you for saving me. Cat cat cat. Oh, cat Malaika. Oh, Batman coming in your dream and beat dar 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 beat 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 and make you black and white and red and after that we'll see you in the morning. Yes. No, I'm sleeping. Aankhein jaye baad mein. श्रीमती लाजवंती।